सो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू. तो आज हम वहाँ पे जाते हैं, यूनिवर्सिटी का रिव्यू लेते हैं स्टूडेंट से. और स्टूडेंट से रिव्यू लेते हैं. हमारे साथ आपका नाम क्या है? हमारे साथ मानसी. आपका नाम क्या? तुषार जी हैं. हम मानसी और तुषार जी से पूछते हैं, उन्होंने जो एडमिशन ली है कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे एडमिशन? बहुत अच्छा लग रहा है. बेसिकली यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और सबसे पॉजिटिव थिंग जो है यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स का क्राउड काफी सही है, टीचर्स काफी अच्छे हैं. सो ऑल इन ऑल आई लाइक इट. मानसी जी और तुषार जी बहुत बहुत थैंक यू आपने अपना रिव्यू बताने के लिए. मेरे साथ और भी स्टूडेंट्स हैं, उनका रिव्यू लेते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन का. आपका नाम क्या? आपको कैसा लग रहा है यूनिवर्सिटी में एडमिशन? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? मतलब आपका ट्रैवलिंग का अच्छा है? थैंक यू मैम. स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इनको पूछते हैं कि यूनिवर्सिटी कैसी लग रही है. तो लेट्स सी. हाय, कैसे हो? कैसी लग रही है यूनिवर्सिटी? कहाँ से आए हो आप? मैं राजस्थान. राजस्थान से इतनी दूर क्यों आए हो? सेंट्रल यूनिवर्सिटी. सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो राजस्थान में भी है. उधर हुआ नहीं. तो कैसे पढ़ाई चल रही है आपकी यहाँ पे? अभी कहाँ रह रहे हो आप? अभी इधर पास में गांव है, सुचानी में रह रहे हो. तो फैसिलिटी अच्छी है सारी? हाँ. तो ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम है, कैसे आना? ट्रांसपोर्ट का मेरे पास में, तो मैं पैदल आ जाता. पैदल आ जाती है. तो आपको क्या बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है. इधर फिजिक्स डिपार्टमेंट है, फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं और एमएससी बीएससी इंटीग्रेटेड कोर्स है. तो अभी इसरो का सेंटर भी बन रहा है, उससे भी बहुत फ़ायदा होगा और आगे मतलब इसमें स्कोप भी है. इसलिए इसलिए यूनिवर्सिटी सेंटर की यूनिवर्सिटी है, तो इसका फ़ायदा भी होगा. सेंटर की लाइब्रेरी है और भी बहुत सतीश धवन सेंटर है, वो भी अच्छा. ठीक है. और भैया आपको कहाँ से हो? मैं झारखंड से. झारखंड से हो आप? आपको यहाँ पे एडमिशन लेके क्या फ़ायदा हो रहा है? झारखंड में भी इतनी सारी यूनिवर्सिटी? झारखंड में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लेकिन वहाँ पे फिजिक्स डिपार्टमेंट नहीं था. अच्छा। केमिस्ट्री है वहाँ पे. अच्छा. बट यहाँ फिजिक्स है और साथ में यहाँ पे इसरो का डिपार्टमेंट भी है, तो आगे बेनिफिट हो जाएगा. फिजिक्स डिपार्टमेंट में आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? पढ़ाई अच्छी चल रही? पढ़ाई तो बहुत बढ़िया. तो अभी आप कहाँ रहते हो? अभी हम यहीं पे रहते हैं, पीजी में बगल में यूनिवर्सिटी. तो आपको सारी फैसिलिटी मिल रही है यहाँ पे आप रहते हो? हाँ, सारी फैसिलिटी तो मिल रही है, बस एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हॉस्टल नहीं है. हॉस्टल अभी बना हुआ है, वो अभी रीओपन नहीं हुआ, कंस्ट्रक्शन वर्किंग का चल रहा है. हाँ, वो बन जाएगी फिर तो पूरा चीज़ बेटर है, सब बढ़िया है यहाँ का. बहुत अभी हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आए हैं जहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छे ब्लॉगर हैं अनुभव शर्मा जी. अभी इन्होंने नया नया स्टार्टअप किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अनुभव शर्मा जी का रिव्यू लेते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में. अनुभव शर्मा जी कैसे लगी आपको यूनिवर्सिटी? अभी आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, आगे पीछे पहाड़ वगैरह है, माहौल अच्छा है यहाँ का, वादियाँ बड़ी सुंदर है यहाँ की, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा एडमिशन लेके. आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड. दोबारा आपने जो एडमिशन ली है, पिछला एक्सपीरियंस आपका और इस वाला आपका क्या है? पिछला एक्सपीरियंस भी अच्छा ही था. पिछले एक्सपीरियंस में भी हम क्लासेस लगाते थे, सब कुछ करते पढ़ते थे इधर. अब आज हम फ्री थे तो हम पहाड़ी पे आए हैं. अभिनव टीला है, इसका नाम डाला हुआ है, बहुत अच्छा नाम डाला हुआ है जिसने भी डाला है. अच्छा लगा इधर आके. तो अनुभव जी थैंक यू वेरी मच हमें थोड़ा टाइम देने के लिए. थैंक यू. ठीक है. और भैया आप कैसे लगे यूनिवर्सिटी? मेरे को बहुत अच्छी लगी. मैं अनुभव भैया के ब्लॉग देख के ही आया यहाँ पे. मेरा भी गलती चैनल. आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद इश्का. अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है यूनिवर्सिटी में आके? बहुत अच्छा लग रहा है. क्या एक्सपीरियंस है आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी में? दो महीने में क्या एक्सपीरियंस होना है, पर चलो बेटर फील हो रहा है. हमारे बड़े सीनियर हमें बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए, पार्क में बैठ के अच्छा लगता है. थैंक यू. अभी हम जा रहे हैं टपरी पे, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या मिलता है वहाँ पे, अभी आपको वहाँ पे जाकर बताएंगे. अभी हम टपरी पे पहुंचे हैं, तो यहाँ से स्टूडेंट्स लंच कर रहे हैं, इनको पूछते हैं क्या नाम है आपका. आपका क्या नाम है? कैसा लग रहा है आपको?
यूनिवर्सिटी में आके? तो खाना कैसा लग रहा है आपको? टेस्ट क्या? तो यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया आपने, क्या सीखा आपने? तो हम उनको पूछेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में, कैसे हो आप? क्या नाम है आपका? मेघा गुप्ता। कैसा लगा आपको यूनिवर्सिटी में आके? काफी अच्छा है। तो आपके एग्जाम हो गए? हाँ, एग्जाम हो गए अभी, तो बट अभी दो तीन और बाकी। स्टूडेंट है तो अभी अभी एग्जाम लेके आए, उनसे पूछते हैं कि इनका एग्जाम कैसा हुआ। तो कैसे हो आप? ठीक हूँ। आपका नाम क्या? अमन शर्मा। अमन जी, जो अभी आप एग्जाम देखे हो, ये पैटर्न के हिसाब से आ रहा है या कैसा है आप बता? पैटर्न के हिसाब से आ रहा है। तो आपका एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा हुआ। तो आपको यूनिवर्सिटी क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है? काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिली अभी तक? मैक्सिमम फैसिलिटीज़ जो है कि यूनिवर्सिटी में मिलनी चाहिए वो मिल रही है। अभी हम आए हैं इको गार्डन में, ये यूनिवर्सिटी का एक स्मॉल पार्क है, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स का रिव्यू लेते हैं। तो कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। आपका नाम क्या? मेरा वैभव है। मैं बी ए बी थर्ड सेमेस्टर से हूँ। जी वैभव जी, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, प्रॉब्लम ये है कि हमें हॉस्टल प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सी मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अच्छी पीजी नहीं मिल पा रही, नेटवर्किंग नहीं है वहाँ पे, ट्रांसपोर्ट का इशू है, बाकी सब बढ़िया है यूनिवर्सिटी का जो भी है। आपका क्या नाम है? चांदनी, बीएबीएड थर्ड से। ओके चांदनी जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है? बस यही कि हॉस्टल नहीं है तो हमें ट्रैवल करना पड़ता है दूर से, फिर खाने को दाल चावल सिर्फ मिलता है, तो हॉस्टल होता है तो दाल चावल नहीं मिलता, एटलीस्ट वैरायटी मिलता। फिर यहाँ क्लासरूम भी नहीं है, इधर से उधर ऑलरेडी वी आर लेट, मतलब हमारा इकोनॉमिक्स क्लास दो महीने बाद स्टार्ट हुआ है, उसमें भी क्लासेस मिस हो रहे हैं क्योंकि क्लासरूम नहीं है बैठने को, तो होता है कि टेले पे जाए या कहाँ जाए, फिर क्लास तो सुनने में आया है डिपार्टमेंट हमारा बन चुका है, बट वो भी छीनने वाला है, रिटिक को जा रहा है, बट नॉट श्योर। थैंक यू जी।